नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सेक्स एजुकेशन एंड योर क्वेरीज के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, बदलते जमाने के साथ साथ स्त्री पुरुषों के सेक्सुअल रिलेशनशिप में भी काफ़ी बदलाव आया है। वो समय गया जब स्त्रियां अपनी सेक्सुअल फैंटेसीज को, सेक्सुअल प्लेजर को अपने पति के ऊपर निछावर करती थीं। कभी उन्होंने उनसे डिमांड नहीं की, चुपचाप सहती थीं। लेकिन आज ज़माना बदल गया है, औरत और मर्द कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब देखा जाता है बहुत सारे केसेस में कि डिवोर्स हो जाती है और उसका कारण पति को संतुष्ट ना कर पाना। अब बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे गए हैं जिसमें कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हम देखते हैं कि सोसाइटी में बुरी तरह पनप रहे हैं। इन्हीं मुद्दे पर हम आज इस एपिसोड में बात करेंगे अपने एक्सपर्ट डॉक्टर एस के जैन से। सृष्टि के आरंभ से ही मनुष्य की चाहतें, उमंगें और जरूरतें उसके साथ चली हैं। इन स्वाभाविक जरूरतों में सबसे प्रमुख है सेक्स, यानी एक आनंदपूर्ण सामाजिक जीवन। इसलिए जरूरी है कि हमें सेक्स के प्रति सही जानकारी मिले और गलत उपायों से हम अपना जीवन नष्ट ना करें। कुछ इसी तरह का कार्य कर रहे हैं इस विधा के पुरोधा भारत के शीर्ष साइको सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर एस के जैन। आपने सन 1974 में लखनऊ विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आयुर्वेदा विद मॉडर्न मेडिसिन एंड सर्जरी की उपाधि प्राप्त की। इसी के साथ आपने अपने टैलेंट और लगन के बलबूते पर लंदन से MRSH जैसी प्रतिष्ठित संस्था की सदस्यता प्राप्त की। डॉक्टर एस के जैन ने प्राचीन आयुर्वेद पद्धति के साथ आधुनिक चिकित्सा प्रणाली का मिश्रण करते हुए बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। इस क्लिनिक के द्वारा एक ही छत के नीचे प्राचीन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी द्वारा आम लोगों को उनकी सेक्स समस्याओं से मुक्ति देते हैं। और इस कार्य में डॉक्टर जैन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देती है उनकी मेहनती व सेवाभावी रिसर्च टीम। डॉक्टर जैन को इन्हीं प्रयासों के कारण अनेक बार कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर एस के जैन एक ईमानदार, सफल तथा विश्वसनीय व्यक्तित्व हैं। आप मानव समाज के लिए एक वरदान हैं। डॉक्टर जैन के लंबे अनुभव का लाभ लाखों लोगों ने लिया है और अब बारी है आपकी। आइए स्वागत करते हैं फेमस साइको सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर एस के जैन साहब का। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। You're welcome. हाँ डॉक्टर साहब, बात हो रही है कि जो महिलाएं हैं, जो फीमेल काउंटर पार्ट हैं, वो सेक्स के प्रति काफी जागरूक हो रही हैं। बहुत अच्छी बात है। आपका क्या कहना है इस बारे में? आपके पास जो फीमेल आती हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके, तो क्या वो पूरी तरह खुलती हैं या क्या आपका क्या तजुर्बा है इस बारे में? जी देखिए, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि परिवर्तन जीवन का, सृष्टि का नियम है। आज के दौर में ये परिवर्तन अधिकांशतः देखा गया है कि पहले के दौर में जो समस्याएं स्त्रियां अपने दिल ही दिल में रख के और काफ़ी डिप्रेशन में आ जाती थी, आज वो खुल के बात करने लगी हैं, उसके बारे में पूछने लगी हैं कि डॉक्टर मेरी ये प्रॉब्लम है या मेरे हस्बैंड के अंदर ये प्रॉब्लम है, मुझे क्या करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा दौर है और इस प्रकार से स्त्रियों को जागरूक होना चाहिए जिससे उनके जीवन में खुशहाली हो और वो आगे बढ़ें। जी हाँ, और डॉक्टर साहब ईमेल का सिलसिला शुरू करते हैं। जी, ये इसमें लिखा है कि डॉक्टर साहब, मैं बहुत ही पतली युवती हूँ, चेहरे पे रौनक भी बहुत कम है और शादी भी नहीं हुई है। उम्र इनकी है 26 साल। और ये कहती है कि मुझे लगता है मेरी योनि से जो सफ़ेद डिस्चार्ज होता है, क्या उसका कोई उपचार है? मैं उसके कारण काफ़ी अपने आप को वीक महसूस करती हूँ और उसी के बारे में सोचती रहती हूँ। इस बच्ची की उम्र कितनी है? डॉक्टर, इनकी उम्र 26 साल है। अगर 26 साल की उम्र है तो इसमें आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक चेहरे की ब्यूटी से संबंध है, तो उसके लिए यदि आप थोड़ा सा बैलेंस डाइट लेंगी, अपनी नींद का ख्याल रखेंगी, हमेशा याद रखिए कि आहार और निद्रा जो है वो स्वस्थ जीवन के लिए, स्वस्थ लाइफ स्टाइल के लिए बहुत ज़रूरी है। इन दैट यू हैव टू मेंटेन योर न्यूट्रिशियस डाइट, बैलेंस डाइट एंड एज वेल एज
टेक द प्रॉपर स्लीप ऑफ द मिनिमम 6 to 8 hours. अगर इतना आप करते हो तो मैं समझता हूँ कि आपको जो चेहरे की ब्यूटी वाली चीज़ें हैं, और आजकल तो काफ़ी अच्छी अच्छी विधाएं आ गई हैं, आप उसका सहारा लीजिए और अपने चेहरे को ग्रेशियस रखिए, जिससे कि आपको जीवन में हमेशा एक अच्छा जीवन साथी मिले. और जहाँ तक अगर योनि मार्ग से वो श्राव जैसा मतलब सिक्रीशन, तो ये लेडीज में एक बड़ी आम प्रॉब्लम है और इसको लिकोरिया कहते हैं. और यदि लिकोरिया हो जाए तो इसमें कोई घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है. और इसके लिए प्रॉपर आयुर्वेद के अंदर काफ़ी अच्छी अच्छी दवाएं हैं. आयुर्वेद की सबसे बड़ी अगर विशेषता है तो वो ये है कि ये मर्ज को पूरी तरीके से जड़ से दूर करने में सक्षम है. भले ही महीने दो महीने तीन महीने इलाज को जारी रखना पड़ता है, लेकिन ये कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करती हैं और पूरी तरीके से इस चीज़ को कंट्रोल करती हैं. बेशक खाने पीने में थोड़ा सा खटाई, मिर्चा, गुड़, तेल से बनी हुई चीज़ें थोड़ा कम लेनी चाहिए. हफ्ते में एक आध बार ली भी जा सकती है, आप चिंता ना करें, बिल्कुल ठीक हो सकती है. जी हाँ, मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा. बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपनी समस्या को हमारे साथ शेयर किया. डॉक्टर साहब, एक और ईमेल है, लिखती हैं कि मेरी उम्र 31 साल है जी. और मैं शादीशुदा हूँ और मुझे मासिक धर्म के दौरान जी. कमर में और पेड़ों में बहुत दर्द होता है और इनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी इरेगुलर रहती है, क्या करें? उम्र 31 साल है और बाय द वे आप मैरिड हो, और यदि बाय द वे कमर में या पेड़ों में आपको दर्द होता है, पेड़ों का मतलब पेट का निचला हिस्सा, पेट और योनि के बीच का हिस्सा, तो यू हैव टू मेंटेन एज आई हैव टोल्ड यू प्रीवियसली अबाउट द न्यूट्रिशन स्लीप एज वेल. जब भी आपको मैंसेज हो तो आप पर्टिकुलर पेड़ों के हिस्से पे थोड़ा सा वैसे तो नीम की पत्ती की सिकाई बहुत अच्छी मानी जाती है गर्म पानी के साथ में, लेकिन अगर बाय द वे अवेलेबल नहीं है कहीं तो यू कैन अप्लाई हॉट वाटर बैग. और यदि बाय द वे आप इस अपनी प्रॉब्लम को किसी भी स्त्री रोग विशेषज्ञ से परामर्श लेंगे, काउंसिल करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आप ठीक हो सकती हैं. वैसे आयुर्वेद में भी इसकी काफ़ी अच्छी दवाएं हैं जो इस चीज़ को जड़ से ठीक करने में सक्षम है. डॉक्टर साहब, अगला ईमेल ये कहती है, मैं 32 वर्षीय विवाहित युवती हूँ, मेरे दो बच्चे भी हैं, परंतु मैं शादी के पहले ही दिन से जो इनके वजाइनल एरिया में लुब्रिकेशन की कमी से ये पीड़ित हैं और उसी के कारण सेक्स के प्रति उदासीन रहती हैं, क्या करें? जो ये प्रॉब्लम है कि वहाँ पे उतना लुब्रिकेशन नहीं है, तो यदि लुब्रिकेशन की प्रॉब्लम है तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है. और मार्केट में काफ़ी अच्छे अच्छे इसके लिए जेल्स हैं, क्रीम्स हैं, आप किसी को भी अप्लाई कर लें, आपकी समस्या बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी. फिर भी यदि कोई दिक्कत है तो आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए, बेझिझक मिलिए. मैं समझता हूँ कि आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगी, वो आपकी पूरी तरीके से केयर कर देगी. जी हाँ डॉक्टर साहब, इस जवाब के साथ ही वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और हम डिस्कस कर रहे हैं फीमेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को. और अगर आपकी कोई समस्या है तो आप बिना झिझके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं. अभी यहीं रुकेंगे और आपकी समस्याओं के साथ जल्द हाजिर होंगे. देखते रहिए सेक्स एजुकेशन एंड योर क्वेरीज. इस कार्यक्रम में अपना सवाल रिकॉर्ड कराने के लिए हमारा फ़ोन नंबर है 09-3660-4444. इसी नंबर पर आप हमें SMS भी कर सकते हैं. हमारा ईमेल का पता है drskjainsolutions@gmail.com. यदि आप डॉक्टर साहब से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब की लखनऊ की क्लिनिक का नंबर है 05224004444, या दिल्ली के क्लिनिक का नंबर 01169413553 पर संपर्क कर सकते हैं. आज की इस दुनिया में जब जिंदगी बिखर रही है, बेपनाह तमन्नाएं हर दिशा में भटक रही हैं, आरजुएं बेकाबू हो रही हैं, तब कहां हैं हम? कहां हैं हमारे सपने? कहां है हमारी सेहत? जनाब, इसी तसव्वुर को सामने रखकर हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी कामयाब शख्सियत से जिन्होंने सेक्स और जिंदगी, चाहत और सेहत को नई दिशा दी है. जी हाँ,
हिंदुस्तान के मशहूर साइकोसेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर एस के जैन। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम तब तक अवेयर ही नहीं होते हैं जब तक कि हम मर्ज की पूरी गिरफ्त में नहीं आ जाते। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन भ्रांति तो मैं समझता हूँ यही है। डॉक्टर एस के जैन, जिन्होंने बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड विधानसभा मार्ग लखनऊ को दिया एक नया आयाम, दिल्ली के करोल बाग क्षेत्र में बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड की ब्रांच के रूप में, जिससे न केवल दिल्ली NCR बल्कि पूरे भारतवर्ष और विदेशों से आए हुए मरीजों को अपनी यौन समस्याओं के लिए कामयाब इलाज पाने में न दूरी लगे न देरी। आज हमारे यहाँ पूरे भारतवर्ष से मरीज आते हैं और हम उन्हें वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं। साथ ही अनगिनत मरीज पूरी तरह से सेटिस्फाइड होकर जाते हैं। डॉक्टर नितिन रोगियों की मैरिज काउंसलिंग पर पूरा ध्यान देते हैं। डॉक्टर जैन का सपना है सेक्स संबंधी समस्याओं के लिए बेहतर इलाज का सही प्रबंध और मरीजों का धोखेबाजों और नीम हकीमों से बचाव। बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड करोल बाग दिल्ली इसी सपने का एक हकीकत रूप है। सेक्स संबंधी किसी भी समस्या के विश्वसनीय एवं गोपनीय उपचार की सुविधा स्वयं डॉक्टर एस के जैन की देखरेख में यहाँ उपलब्ध है। सेहत, सेक्स और सुखी जीवन की आस, डॉक्टर एस के जैन का विश्वास। अगर आपकी सेक्सुअल जिंदगी ठहर जाए तो डॉक्टर एस के जैन की दिल्ली क्लिनिक पर आप दस्तक दीजिए। दरवाजा खुलेगा और आप पाएंगे खुशियों का गुलदस्ता लिए खड़ी है डॉक्टर एस के जैन की कुशल और क्वालिफाइड टीम। संपर्क करें बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, झंडे वालान मेट्रो स्टेशन के पास, आर्य समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली। आप फोन कर सकते हैं इन नंबर्स पर 011-6941-3553, 09-3510-9999। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं drskjensolutions@gmail.com। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सेक्स एजुकेशन एंड योर क्वेरीज विद डॉक्टर एस के जैन और हम डिस्कस कर रहे हैं फीमेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को। डॉक्टर साहब, एक और महिला हैं, ये जानना चाहती हैं कि गर्भ धारण करने की सही उम्र क्या होती है। देखिए, गर्भ धारण करने के लिए मिनिमम वैसे तो 22 साल के पहले भी गर्भ धारण किया जा सकता है, लेकिन अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो औरत को अपने आप में थोड़ा जिम्मेदार भी होना चाहिए, लिहाजा 22 साल से लेके और मैं समझता हूँ कि 35 साल की उम्र सबसे सेफ पीरियड माना जाता है, जिसमें बच्चे गोरे सुंदर और स्वस्थ पैदा हों। और बाद बाकी अगर सेकंड फेज में 35 साल के बाद भी ऐसा देखा गया कि 45 साल तक यदि मेंसेज रेगुलर हो रहा है तो कंसेप्शन हो सकता है, गर्भाधान हो सकता है, लेकिन ज्यादा अच्छी एज जो है वो जो मैंने बताई है। जी हाँ, धन्यवाद आपका सवाल करने के लिए। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि गर्भाधान करने की जो आइडियल एज है वो है 22 साल से 35 साल तक। मुझे उम्मीद है कि आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई होगी। अगर आपकी कोई समस्या है तो हमें कॉल करते रहिए, हम आपकी समस्या को रखेंगे अपने एक्सपर्ट डॉक्टर एस के जैन साहब से। और डॉक्टर साहब, अगला ईमेल है, ये कहती है मेरी शादी को 2 साल हुए और मेरे पति कहते हैं कि प्रथम संभोग में ब्लड नहीं आया था। डॉक्टर साहब, बहुत ही इस तरह की प्रॉब्लम बहुत नॉर्मल है, खासतौर से जो पुरुष वर्ग है वो इस पर ज्यादा ध्यान रखता है। आगे कहती है कि वो मुझ पर शक करते हैं, मुझे क्या करना चाहिए। मैं चाहता हूँ डॉक्टर साहब इनको भी आप संबोधित करें और इनके पति को भी यहाँ से कोई बात बताएं। बाय द वे, इसमें जो इस बच्ची की समस्या है तो मैं चाहूँगा कि ये अपने पति को इस मामले में कन्विंस करे, उसको बताए जो मैं कहने जा रहा हूँ, उसे सुनवाए उनको कि यदि बाय द वे प्रथम इंटरकोर्स में ब्लड नहीं आया है तो इट डजेंट मीन के दे रही है क्वेश्चन ऑफ द वर्जिनिटी। ये वर्जिनिटी संबंधित क्वेश्चन है क्योंकि अब शादियां जो है वो तकरीबन 21-22 साल या इससे ऊपर बच्चियों की होती है और पुरुष की आयु उसी हिसाब से थोड़ा सा अधिक होती है। तो जिस समय मेंसेज की प्रक्रिया प्रारंभ होती है उसके बाद में यदि बाई दिवे थोड़ा सा भी, बच्चे आजकल स्कूल में खेलते हैं कूदते हैं या बाई दिवे कोई मेहनती कार्य किया तो उससे दैट हाइमन should
कैन बी रप्चर. तो अगर बाई दी वे रप्चर हो जाती है एंड आफ्टर दैट फर्स्ट इंटरकोर्स के अंदर अगर बाई दी वे ब्लड नहीं आता है तो इट डजंट मीन कि वो उसके संबंध कहीं और रहे हैं या वो शक करने योग्य है, ऐसा नहीं है. आप बिल्कुल मधुर संबंध अपनी धर्मपत्नी के साथ में बनाएं और मैं समझता हूं कि यदि आप शक नहीं करेंगे तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा. क्योंकि कहते हैं कि शक का इलाज तो लुकमान हकीम के पास भी नहीं है. जी हाँ, डॉक्टर साहब, इन्हें चाहिए कि दोनों आपस में बैठे कम्युनिकेट करें और ये जो मिथ है इसको निकाल दें और एक खुशहाल जो अपनी मैरिड लाइफ है उसको एंजॉय करें. बीस पैंट. और हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आप अपनी समस्याओं को हमारे साथ शेयर कर रहे हैं. और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि महिलाओं में वो अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं आगे लाती हैं, लेकिन हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं. और हम समझते हैं, उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब की जो गाइडेंस है वो आपको मिल रही होगी और उससे आप लाभान्वित होंगी. और अब एक नज़र डालते हैं डॉक्टर साहब के 40 साल के सक्सेसफुल कैरियर पर और रूबरू होते हैं उनके अचीवमेंट से. आज की इस दुनिया में जब जिंदगी बिखर रही है, बेपनाह तमन्नाएं हर दिशा में भटक रही हैं, आरजुएं बेकाबू हो रही हैं, तब कहाँ हैं हम, कहाँ हैं हमारे सपने, कहाँ है हमारी सेहत. ये तलाश सिर्फ मेरी नहीं, आपकी, हम सबकी है. इस तलाश में मंजिलें कम, भटकाव ज्यादा हैं. तो कैसे मिले मंजिलों का पता, कैसे संवारें इस जिंदगी को, कैसे जवानी दें नए रूप में यौवन को. जनाब, इसी तसव्वुर को सामने रखकर हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी कामयाब शख्सियत से जिन्होंने सेक्स और जिंदगी, चाहत और सेहत को नई दिशा दी है. डॉक्टर एस के जैन, हिंदुस्तान के मशहूर साइको सेक्सोलॉजिस्ट. डॉक्टर एस के जैन एक खानदानी डॉक्टर ही नहीं, आयुर्वेदिक एवं एलोपैथी दोनों विधाओं के एक कामयाब और क्वालिफाइड डॉक्टर हैं. आपने सन 1974 में लखनऊ विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आयुर्वेदा विद मॉडर्न मेडिसिन एंड सर्जरी की उपाधि प्राप्त की. इसी के साथ आपने अपने टैलेंट और लगन के बलबूते पर लंदन से MRSH जैसी प्रतिष्ठित संस्था की सदस्यता प्राप्त की. तमाश बीनों से आपको बाखबर करने, नीम हकीम खतराए जान से आपका दामन बचाने और आपको सेहतमंद बनाए रखने के लिए सही सेक्स का खूबसूरत और आसान रास्ता दिखाने डॉक्टर एस के जैन अपने बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड के जरिए आप तक पहुंच रहे हैं. इस क्लिनिक के द्वारा डॉक्टर जैन एक ही छत के नीचे प्राचीन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी द्वारा आम लोगों को उनकी सेक्स समस्याओं से मुक्ति देते हैं. डॉक्टर जैन के पीछे मेहनतों का एक लंबा और खूबसूरत सिलसिला है और इसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं उनके होनहार बेटे डॉक्टर श्रेयांश जैन, डॉक्टर सारांश जैन और उनकी समर्पित टीम. सेक्स से जुड़ी हर छोटी बड़ी समस्याओं का कॉन्फिडेंशियल इलाज करने में, जिंदगी को सेहतमंद बनाने में डॉक्टर एस के जैन को महारत हासिल है. सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमारे लिए ये है कि जो भी पेशेंट्स आते हैं यहाँ पे, उनकी बातें हमारे और पेशेंट के बीच में ही रहनी चाहिए, तो उसका हम पूरा ध्यान रखते हैं. इवन जो उनके रिकॉर्ड्स हमारे पास रहते हैं वो भी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियल रखे जाते हैं. और जो पेशेंट्स को जो कार्ड हम रजिस्ट्रेशन कार्ड जो इशू करते हैं उसमें भी कुछ नाम नहीं रहता, उसमें केवल रजिस्ट्रेशन कोड रहता है. तो उनकी आइडेंटिटी केवल रजिस्ट्रेशन कोड के द्वारा ही निर्धारित होती है, ताकि बात जो है हमारे और उनके बीच में ही गुप्त रहे. बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जिनकी बुनियाद में है एक खानदानी तजर्बा, मेहनत, ईमानदारी, लगन, विश्वास, सफलता और कुशलता. तो आइए रूबरू होते हैं डॉक्टर एस के जैन से. सबसे ज्यादा गलत फहमियां आज सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के साथ जुड़ी हुई हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि लोग प्रॉब्लम होते हुए भी उसे नहीं मानते, या यूं कह लीजिए कि अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या शर्म संकोच बस अपनी बात कह नहीं पाते, या शायद उसे अपनी ईगो से जोड़ने लगते हैं.
आयुर्वेदिक दवाओं के साथ साथ सामान्य व्यायाम से लोगों को चुस्ती फुर्ती देते हैं। बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड। बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड बर्लिंगटन ग्रुप ऑफ मेडिकल रिसर्चेस की एक यूनिट है, जिसमें हमारे पास है एक बेहतरीन क्वालिफाइड कुशल टीम, जो कि अपने मरीजों को प्री एंड पोस्ट एजुकेट भी करती है। और हम लोग दवाइयों को केवल मैन्युफैक्चर ही नहीं करते, बल्कि उनको अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में उनको ग्रो करते हैं, उगाते हैं, उसके बाद अपनी लेबोरेटरी में उनकी पूरी जांच पड़ताल करके उन दवाइयों का निर्माण करते हैं और उसे अपने मरीजों की सेवा के लिए उपलब्ध कराते हैं। समाज में सेक्स संबंधित तकलीफों से लोगों को मुक्त कर उन्हें आनंददायक जीवन लौटाने के लिए डॉक्टर एस के जैन को दुनिया के कई प्रतिष्ठित और शीर्ष पुरस्कारों से नवाजा गया है। इनके अलावा भी आपको देश विदेश के अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से अलंकृत किया गया है। हम तो बस इतना ही कहेंगे कि आप डॉक्टर एस के जैन के अनुभवों का लाभ उठाएं और सक्सेसफुली और सेक्सफुली जिंदगी जिए, समझदारी से, होशियारी से। अगर आप डॉक्टर एस के जैन से संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा पता है बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, झंडे वालान मेट्रो स्टेशन के पास, आर्य समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली। आप फोन कर सकते हैं इस नंबर पर 011-6941-3553। हमारा दूसरा पता है बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, बर्लिंगटन क्रॉसिंग, 28/A, विधानसभा मार्ग, लखनऊ। आप फोन कर सकते हैं इस नंबर पर 05224004444। हमारे मोबाइल नंबर हैं 09935109999 और 09935562999। हमारा ईमेल आईडी है drskjainsolutions@gmail.com। इस कार्यक्रम में अपना सवाल रिकॉर्ड कराने के लिए हमारा फोन नंबर है 09936004444। इसी नंबर पर आप हमें SMS भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है drskjainsolutions@gmail.com। यदि आप डॉक्टर साहब से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब की लखनऊ की क्लिनिक का नंबर है 05224004444 या दिल्ली के क्लिनिक का नंबर 01169413553 पर संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ डॉक्टर साहब, जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि क्योंकि आज बात हो रही थी महिलाओं के सेक्सुअल प्रॉब्लम्स की, तो जाते जाते कोई एक संदेश, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि जो अच्छी लाइफ स्टाइल के जो प्रॉपर कुछ रूल्स हैं, मेथड्स हैं, उनको आप अपनाएं। और इसी के साथ में चाहे तो शीश को नोट कर लें कि जैसे कहा जाता है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। सेकंड थिंग, न्यूट्रिशन के मामले में इस बात का विशेष ख्याल रखिए कि डोंट टेक द फूड विद हरी बरी एंड करी। अर्थात यानी मतलब जो खाने को बहुत जल्दी जल्दी मत खाइए, आराम से खाइए। बरी बरी का मतलब यानी बहुत ज़्यादा चिंता युक्त यदि आप भोजन करेंगे तो आपके लिए पॉइजन बन जाएगा, फूड पॉइजनिंग कारण बनता है यही, तो बहुत ज़्यादा चिंता नहीं होनी चाहिए। यानी हरी बरी एंड करी, करी मीन्स बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला डाइट मत लीजिए, इससे मन के भाव शुद्ध रहते हैं, अच्छे रहते हैं और पति पत्नी के बीच में जो एक आपसी विश्वास है वो जीवन का आधार है, जीवन की आधारशिला है, उसको मजबूत रखिए, एक दूसरे के ऊपर विश्वास कीजिए। मैं समझता हूँ कि आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा, यही मेरी दिली अभिलाषा है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग सच ए वंडरफुल वर्ड्स ऑफ विजडम। और यही वक्त है आज के एपिसोड को भी यहाँ पे वाइंड अप करने का। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं जानता हूँ बहुत ही बिजी शेड्यूल है आपका, आपके दो क्लिनिक है, उनको संभालना होता है,
बहुत बहुत शुक्रिया। यू वेलकम। तो आज बस इतना ही। फिर से हमें आपको याद दिला दूं कि अपनी समस्याओं को अपने अंदर मत रखिए, ऐसा करने से हो सकता है कि वो मानसिक रोग का रूप ले लें। तो ये प्लेटफॉर्म है, इसको यूटिलाइज कीजिए, अपनी समस्याओं को हम तक पहुंचाइए, हम उसको शेयर करेंगे अपने एक्सपर्ट डॉक्टर एस के जैन साहब के साथ और आपको पहुंचाएंगे गाइडेंस। आज बस इतना ही, कल अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक आज्ञा दीजिए, नमस्कार, शुभ रात्रि, शब बखैर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। काफी तरह की भ्रांतियां हैं, काफी मिसकंसेप्शंस हैं। दुनिया जहान ने चाहे कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ली हो, फिर भी आज सेक्स को एक हवा ही माना जाता है। सेक्स से संबंधित समस्याओं पर शर्म और संकोचवश कोई खुलकर बात ही नहीं करता, जिसकी वजह से उसका जीवन दिनों दिन अंधेरे में घिरता चला जाता है। इस अंधेरे में उजाले की किरण बनकर आपकी सेक्स समस्याओं का समाधान करेंगे अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त यौन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस के जैन। देखिए सेक्स एजुकेशन एंड योर क्वेरीज ओनली ऑन गेयर वर्ल्ड।